दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जाडेजा को एक अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, कुछ ही मिनटों के बाद भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2023 में आमने सामने होने वाला है। कप्तान रोहित शर्मा की निगारों भूखे शेरों के साथ पाकिस्तान को कुचलने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो आखिर कैसा रहने वाला है भारत और पाकिस्तान एशिया कप में भारतीय टीम का प्लेइंग 11, वो सब तो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन अच्छा कप्तान है? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला 2 सितंबर को श्रीलंका के पलकल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ वनडे वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप 2023 शुरुआत हो चुका है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम ने नेपाल को 238 रन से हरा दिया। वही एशिया कप का दूसरा मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में खेला गया, जहाँ श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। वही इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है, जिसमें पूरे भारत देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला कोई भी मिस नहीं करना चाहते। ये मुकाबला 2 सितंबर को यानी आज खेला जाएगा, जिसमें ना ही पाकिस्तान हार बर्दाश्त है और ना ही भारत हार बर्दाश्त। वैसे में टीम इंडिया के पास और एक मौका है, जो इसी कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मिले 10 विकेट से हार का बदला लेने का। लेकिन दोस्तों, इस बार एशिया कप 2023 में भारतीय टीम को आसान नहीं होने वाला है पाकिस्तान टीम को हराना, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस बार एक से बढ़कर एक गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद है। जहाँ पाकिस्तान टीम ने भी पहला मुकाबला में नेपाल को पूरी तरह से हराकर साबित कर लिया है कि हमारी टीम भी एशिया कप के लिए तैयार। जहाँ बीसीसीआई ने भी एशिया कप 2023 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान करके श्रीलंका भेज दिए हैं, जो हमें एशिया कप में खेलते नजर आने वाले हैं। इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें, एशिया कप 2023 में आप सभी को कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल को ही ओपनिंग करते नजर आएगी। तो वही भारत ने नंबर 3 पर विराट कोहली को ही चुना गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को कुचलने के लिए विराट कोहली पूरी तरह से तैयार, यानी विराट कोहली हमारे लिए परफॉर्म में रहना बेहद जरूरी है, जो कि भारतीय टीम की चैंपियन में अपना बल्ले से इतिहास लिखने वाले हैं। वही उसके साथ मध्यक्रम में शरत अय्यर को चुना गया है, जो कि मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम को काफी मजबूती देने वाले हैं। विकेट कीपर की भूमिका में ईशान किशन नजर आने वाले हैं। पांत की गैरमौजूदगी में उनसे बेहतर कोई नहीं मिल पाया है, ऐसे में एक खुद को साबित करने का मौका है। वही ऑलराउंडर में बीसीसीआई ने 2 बड़े खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। पहले तो हार्दिक पांड्या और दूसरे नंबर पर आते हैं रविंद्र जाडेजा। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर केवल बल्ले से नहीं बल्कि गेंदबाज से भी कमाल दिखाने वाले। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जाडेजा के साथ कुलदीप यादव को खेलते नजर आने वाले हैं। तो वही पेसर के रूप में आप सभी को जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिरोज को ही खेलते नजर आने वाले हैं। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि टीम इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।